आखिर और मार्केट में फेस्टिवल सीजन का टाइम आ ही चुका है और इस फेस्टिवल सीजन के दौरान कई सारी चीजें आपको काफी कम प्राइस में देखने को मार्केट में मिल जाती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियां भी कई कारों को अपने जल्द से जल्द नए अवतार के साथ लॉन्च करने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट से लेकर एक्सचेंज बोनस और कई सारे आपको फेस्टिवल सीजन के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन के दौरान अपने लिए एक नई कार को तलाश रहे हैं तो मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी जल्द से जल्द अपने भारतीय बाजार में पहली और सबसे पॉपुलर हैचबैक कार लोगों को नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ लाने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। आप लोगों ने सही सुना, मार्केट में सवो एक ऐसा नाम था जिसको ऑल्टो से कम रेंज में बेचा जाता था। आने वाली सवो मार्केट में धूम फिर से एक बार मचाने वाली है। बता दें कि सवो को किसी कारणों से भारतीय बाजार में डिसकंटिन्यू किया गया था, मगर अब वो घड़ी आ गई है जब इसी कार को मार्केट में नई जनरेशन स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फीचर्स और जबरदस्त नए इंजन प्रणाली के साथ लाया जा रहा है। अगर सवो मार्केट में अब पूरी तरीके से नए लुक और नए डिजाइन के साथ नजर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर सवो के लुक और डिजाइन की ही अगर बात कर ली जाए, चूंकि मार्केट में हर किसी को अपने प्राइस रेंज में दीवाना बना रही है, तो वीडियो में आपने साफ साफ नेक्स्ट जनरेशन 2023 आने वाली नई नवेली सवो को देख पा रहे हैं कि फ्रंट लुक में इस कार में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ खूबसूरत फॉग लैंप की प्रणाली और न्यू रेटिनाइन अपडेट ग्रिल सुजुकी के लोगो के साथ कार में जान ही अलग डाल रही है। साथ ही साथ बम्पर पे देखा जाए तो स्पोर्टी लुक वाला बम्पर भी सवो को काफी अच्छा खास लुक मार्केट में दे रहा है, जिससे सवो ऊंची होने के साथ ही साथ बेहतरीन लुक और काफी जबरदस्त हैचबैक कार नजर आ रही है। बता दें कि मार्केट में आजकल माइक्रो एसयूवी कारों का चलन काफी ज्यादा है, मगर अपने सस्ते प्राइस रेंज में सवो आज भी अपने हैचबैक रूप में एक बार फिर से धमाल मचाने वाली है। सवो में इतना ही नहीं, साइड प्रोफाइल से देखे तो 17 इंच के अपडेट टायर कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। और सवो में आपको इतना ही नहीं, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये कार किसी भी तंग और पथरीले रास्तों पर दौड़ पाने में क्षमता रखती है। सवो को ओवरऑल 5 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ये कार 5 लोगों के बैठने की जगह के कारण काफी ज्यादा फेमस है और पुराने मॉडल के मुकाबले साइज में इस कार को बड़ा रखा गया है, यानी 5 लोग बैठने के साथ ही इस कार में सामान रखने की जगह आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ सवो में स्टाइलिश आपको न्यू हैंडल बार और 14 से ज्यादा नए कलर कॉम्बिनेशन, विंग्स मिरर में एक्शन कैमरे की प्रणाली इस सवो को मार्केट में पुराने मॉडल से काफी ज्यादा खास बना चुकी है। यहाँ तो गल्ली हमने मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 नई नवेली सवो के लुक से लेकर डिजाइन की बात, अब बात कर ली जाए आखिरकार सवो के अंदर कौन से इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है जो कि बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने वाला है। तो बता दें कि 2023 में आने वाली सवो में कोई मामूली इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्मार्ट लोगों के लिए और साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली वालों को ध्यान में रखते हुए कार के अंदर 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये पेट्रोल विकल्प ऑप्शन पूरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा लेस किया गया है। भारत की सड़कों पर अगर आउटपुट की बात करें तो आने वाली नई सवो 82 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 120 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। सवो के अंदर आपको 5 स्पीड AMT, 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिल जाएंगे। माइलेज की बात कर ले जाए तो आखिरकार ये कार भारत की सड़कों पर 31 से लेकर 32 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी। है ना कमाल की बात, यानी इतने खास इंजन ऑप्शन के साथ इस छोटी कार को मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन प्रणाली मिल चुकी है, जिसके कारण हमारी ये छोटी कार भारतीय बाजार की सड़कों पर बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए काफी अच्छा परफॉर्मेंस और माइलेज देने वाली है। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 सवो की चर्चा तो काफी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि इस कार का डिजाइन और इस कार का जबरदस्त लुक एक कॉम्पैक्ट फैमिली के लिए बिल्कुल फिट है। अब इस कार की अगर बात कर ली जाए इंटीरियर और फीचर्स के बारे में, तो जी हाँ, मार्केट में जितना सवो को आने वाले विकल्प नए ऑप्शन के साथ देखा गया है, जितना ही खूबसूरत यह भार से और इतने एडवांस इंजन ऑप्शन के साथ ला जा रही है, उतना ही कार के अंदर फीचर्स की भरमार भी आपको छोटे सेगमेंट में मिलने वाली। आने वाली सवो के इंटीरियर फीचर्स पे आप गौर करें तो वीडियो में साफ साफ देख लीजिए कि डैशबोर्ड को कितना प्रीमियम डिजाइन इस प्राइस में दिया गया है। इतना खास इंटीरियर तो आपको 6 से 7 लाख रुपए वाली सेगमेंट की कारों में मिल जाता है। डैशबोर्ड पे देखें तो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ वुडन का टचअप आपको देखने को मिलता है। दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के क्रोम फिनिशिंग के साथ चमचमाते हुए ऑटोमेटिक AC वेंट्स की प्रणाली सर्वो को काफी ज्यादा खास बना रही है। इतना ही नहीं, कार में
आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि कई हद तक कार की जानकारियों को आप तक साझा करने वाला है। सेंट्रिक कंसोल की शान बढ़ाने वाला कार में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन पहली बार सबवो जैसे वेरिएंट में मिलता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम से लेकर वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा भी लेस किया जा सकता है। यानी सबवो मार्केट में और भी एडवांस हो चुकी है। इतना ही नहीं, सबवो में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के पूरे 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन, म्यूजिक सुनने वालों को कार में दीवाना बनाने वाले हैं। है ना कमाल की बात। और सबवो में आपको इतना ही नहीं, इस कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। यानी मिडिल क्लास भाइयों के लिए इस कार में मौज होने वाली है, और कम बजट वाले भाइयों के लिए तो ये कार सोने पे सुहागा होने वाली है। अब कार के सीटिंग ऑप्शन की बात कर ली जाए तो देख पा रहे हैं कि आखिरकार मारुति सुजुकी ने अपने सबवो में अपहोल सीट्स का सेक्शन देखने को मिलता है। ये कार की सीटें लग्जरी कार वाली डिजाइनिंग सीटों से मिलती जुलती है, और इन कार की सीटों की खास बात कि 14 तरीके से कार की सीटों को एक्सेस किया जा सकता है। यानी आप बैठने के बाद एक ही बटन दबाइए, अपने इशारे पे सीटों को कंट्रोल किया जा सकता है, और वॉइस कमांड द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। है ना कमाल की बात। अब बात कर लीजिए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 सबवो के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबवो की सबसे खास बात है कि मार्केट में इस कार को सेकंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है, जिसके चलते 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाई गई ये कार काफी जबरदस्त है। और साथ ही साथ इस कार में आप सभी को पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिल जाती है। एबी टेक्नोलॉजी के साथ एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा, IFS और फिक्स्ड चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल और प्रोटेक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स आने वाली सबवो को मार्केट में खास बना देते हैं। बजट सेगमेंट में एक कार और भी ज्यादा मजबूती के साथ आने वाली है। अब बात कर ली जाए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सबवो के लॉन्चिंग तथा कीमत की बात, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। तो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान कई कंपनियां अपनी कारों पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी आप सभी के लिए ऑफर कर रही है। बता दें कि सबवो को मार्केट में पूरे 5 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग कीमत इस कार की केवल 1.20 लाख रुपीज एक्सट्रीम प्राइस होने वाली है। इस प्राइस रेंज में सबवो को बिल्कुल नए मॉडल के साथ लेने का आपको पूरी तरीके से मौका दे रही है। अगर आप इस कार को एक्सचेंज ऑफर्स के साथ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ इस कार को EMI ऑप्शन के द्वारा भी खरीदा जा सकता है। मार्केट में इस कार के टॉप वेरिएंट की कीमत 4.30 लाख रुपए सेक्शन प्राइस होने वाली है। यानी 5 से लेकर 1 लाख रुपए के बजट सेगमेंट वाले भाइयों के लिए ये कार बिल्कुल फिट है। तो देरी किस बात की, सबवो को बुक करने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।